अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हम आपको अपनी अक्रम लाइका के बारे में कुछ बातें बताएंगे जो उन्होंने की हैं। ड्रामा सीरियल हनीमून और हॉस्टल से मुल्क शोहरत हासिल करने वाली अदाकारा वो मॉडल मलाइका रियाज ने कहा है कि शोबीज इंडस्ट्री में कुछ लोग झूठी शोहरत हासिल करना चाहते हैं, मगर मेरा मानना यह है कि मेहनत और लगन से कमाई शोहरत कोई नहीं छीन सकता। एक सवाल के जवाब में मलाइका रियाज ने कहा कि शोबीज इंडस्ट्री में नए चेहरे आने से इंडस्ट्री की रौनकें दोबारा बहाल हुई हैं। हनीमून और हॉस्टल दोनों ड्रामों में मेरे किरदार मुख्तलिफ नौयत के हैं। ये पावरफुल होने के साथ साथ परफॉर्मेंस से भरपूर हैं। ड्रामे में काम करके बहुत कुछ सीखने को मिला। इस वक्त मेरी तमाम तर तवज्जो टेलीविज़न की तरफ है। अभी फिल्मों में काम करने का कोई इरादा नहीं है। अगर मुस्तकबिल में मुझे किसी अच्छे प्रोजेक्ट की ऑफ़र हुई तो मैं इसमें ज़रूर काम करूँगी। मलाइका रियाज ने मजीद कहा, मुझे शोबीज इंडस्ट्री में खुद को मनवाने के लिए किसी सिफारिश या बैकडोर इख्तियार करने की सूरत पेश नहीं आई। मुझे अपने काम की वजह से आगे आने का मौका मिला है। मैं हमेशा अलग और कुछ हट के काम करना चाहती हूँ और हमेशा इसमें कामयाब भी हुई हूँ। उन्होंने कहा है कि हुसन की देखभाल के लिए बुजुर्गों के टोटके इस्तेमाल करती हूँ और अपनी फैमिली के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। लाजमी बताइएगा कमेंट्स में और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।